सिरसा को चौटाला परिवार का किला माना जाता है। जमानत पर छूटे चौटाला लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन क्या इस मौके को वो सहानुभूति वोट के रूप में भुना पाएंगे? क्या है सिरसा की जनता का मिजाज? हमारे संवाददाता नीरज गुप्ता ने जानने की कोशिश की। नमस्कार, आईवीएन 7 की इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक बार फिर मोदी चमत्कार, क्या हरियाणा में होगा इस बार? इस सवाल को तलाशते हुए मैं नीरज गुप्ता अपने साथी विमल कुमार के साथ पहुंचा हूं हरियाणा के पश्चिमी हिस्से में, सिरसा शहर। इस शहर के निशान ऐतिहासिक दस्तावेजों में महाभारत काल में मिलते हैं, लेकिन आज हम इतिहास की नहीं चुनावी महाभारत की बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे मौजूद हैं। नवीन केडिया कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं सिरसा शहर से, कुलदीप भांबू ये हरियाणा जनहित कांग्रेस कुलदीप विश्नोई की जो पार्टी है उसकी नुमाइंदगी करेंगे, जिला प्रधान है इस इलाके से, और करण चौटाला चौधरी देवीलाल परिवार की चौथी पीढ़ी युवा पीढ़ी जो अब सियासत में अपनी दस्तक देनी शुरू कर चुकी है। करण, मैं आपसे ही शुरू करता हूँ। ये सिरसा का जो इलाका है, चौधरी देवीलाल का गृह जिला है, आप लोगों चौटाला परिवार का ये इलाका कहा जाता है, लेकिन इन चुनावों में, विधानसभा चुनावों में, आप क्या कहकर लोगों से वोट मांग रहे हैं? आपको वोट क्यों देगा वोटर? जी हाँ, मुद्दे बहुत हैं। पिछले 10 सालों के अंदर अगर हम सिरसा की बात करते हैं तो यहाँ पर विकास नाम का कोई भी काम नहीं हुआ। जो यहाँ की यूनिवर्सिटी है, जब यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार बनती है तो उन्होंने अचानक से जो यूनिवर्सिटी में फंड्स पड़े थे वो तक वापस मंगवाने का काम किया था। वो तो मैं धन्यवाद करता हूँ सिरसा शहर के और सिरसा जिले के सारे वकीलों का कि उन्होंने एकजुट होकर के एक कोर्ट में एजिटेशन किया और उससे वो यूनिवर्सिटी को। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, लेकिन विधानसभा की 5 में से 4 सीटें आप लोगों के पास थी। जी बिल्कुल, लेकिन विकास करने के लिए सिर्फ एमएलए नहीं, सरकार जरूरी होती लेकिन है। लेकिन एमएलए का भी कोई रोल तो है। जी जी जी, एमएलए का रोल क्या है कि जाके विधानसभा में सिर्फ मुद्दे उठा सकता है। आपने देखा है जब से कांग्रेस की सरकार है, इंडियन नेशनल लोकदल के विधायकों को विधानसभा के अंदर बोलने नहीं दिया जाता, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। एक हरियाणा इकलौता ऐसा प्रदेश है जिसमें एमएलए को उसके इलाके में विकास के लिए 1 रुपया तक नहीं मिलता। सरपंच को 5-5 करोड़ रुपए देते हैं लेकिन एमएलए को 1 रुपया। कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं नवीन, सीधा आरोप है ये आपकी पार्टी पर कि जो ये भेदभाव इस इलाके के साथ किया गया, जो फंड के पैसे थे, विकास के पैसे थे, वो तक वापस मंगवा लिए गए। मेरे छोटे भाई करण जी ने ये बात कही है कि जब चौधरी देवीलाल जी के नाम से यूनिवर्सिटी यहाँ बनाई गई थी, केवल 2 कमरों की यूनिवर्सिटी थी और जो इन्होंने भर्ती किए थे पूरे हरियाणा के कॉलेज उस यूनिवर्सिटी में डाल दिए, कि उस टाइम मैं भी स्टूडेंट था जी। इतनी बुरी हालात थी कि हम अपनी मार्कशीट खुद ही चक के ले आया करते थे यूनिवर्सिटी से, ये यूनिवर्सिटी का इन्होंने निर्माण किया था। हालात बहुत खराब थे क्योंकि वो सिस्टमेटिक ढंग से इस यूनिवर्सिटी को नहीं बनाया। वो चलिए इतिहास की बात हुई, विकास की बात हो रही है। विकास की जहाँ तक बात है कि पूरे जिला के अंदर, मैं विशेष करके सिरसा विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा, तो सिरसा विधानसभा में जितना पैसा आया है शायद ही चौटाला सरकार के अंदर, तो देवीलाल जी की सरकार थी, ओम प्रकाश चौटाला जी चीफ मिनिस्टर थे, आप रिकॉर्ड निकलवा करके देख लीजिए। उस रिकॉर्ड के अंदर जितना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में और डॉक्टर अशोक तंवर के नेतृत्व में इस इलाके के चौमुखी विकास हुआ है उतना तो हम सोच भी नहीं सकते। चलिए मैं आता हूँ तीसरी पार्टी के पास आता हूँ, भांबू साहब आप बताइए, भांबू साहब आप बताइए, ये तो INLD और कांग्रेस ने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए, आपका क्या कहना है? सिरसा के लोग, विकास का जहां तक मुद्दा है तो हम लगातार ये सुनते हैं कि विकास से तो ये एरिया दूर रहा है। बात यह है कि हमारी पार्टी ने सबसे पहले ये बात कही थी कि अगर हमारी पार्टी की सरकार आती है जी तो समान विकास, समान रोजगार, ये सिद्धांत होना चाहिए। एक क्षेत्र विशेष का जो विकास होता है उससे, क्षेत्र विशेष से आपका क्या मतलब है? सिर्फ रोहतक का विकास किया गया पिछले 10 साल के अंदर, हरियाणा के अंदर सरसा ही नहीं बाकी के सारे डिस्ट्रिक्ट। नवीन, ये इल्जाम तो हर जगह पे, हरियाणा में जहाँ जाओ ये इल्जाम लगता है कि सिर्फ रोहतक का विकास हुआ। ऐसे ना, हमें ये इल्जाम इसलिए अच्छा नहीं लगता या इसलिए हमें नहीं लगता क्योंकि चौटाला सरकार हमारे होम डिस्ट्रिक्ट की सरकार थी। जितना पैसा उन्होंने लगाया, ऑन रिकॉर्ड की बात है, उससे 10 गुना ज्यादा यहाँ पैसा लगा है। तो हम ये नहीं सोचते कि रोहतक में क्या लगा है। लोग लो, लो, कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं जी, आप बताइए। विकास इन्होंने विनाश किया है, विकास यूनिवर्सिटी के सामने आप देखिए सीवरेज का पानी वो ओवरफ्लो कर रहा है, ये विकास किया इन्होंने। ये फुहारे चलते थे, म्यूजिकल फाउंटेन था यहाँ पर, इसको बंद करने का काम इन लोगों ने किया। भाई कन्हैया पार्क में पानी का सिस्टम चलता था, भाई कन्हैया पार्क। नवीन, इन सबका जवाब मैं आपसे लूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये विकास की बात करते हैं, सिरसा के अंदर मार्केट कमेटी के अंदर पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा राजस्व होता है। यहाँ से 341 करोड़ रुपया जो था
वो यहाँ से उठाकर रोहतक और किलोई में लगाया गया, और जबकि वहाँ पर केवल मात्र 140 करोड़ रुपए की इनकम होती है, तो सिरसा का सारा पैसा रोहतक और किलोई में लगाया गया। कांग्रेस पार्टी पर सब लगातार आरोप लग रहे हैं जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो चाहूंगा, कहता हूँ भी सिरसा के अंदर विकास कांग्रेस सरकार में अच्छा हुआ है। नवीन, ये आपके समर्थन की बात हो रही है। इन्होंने जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी को काफी इन्होंने विकसित किया है और बाकी भी काफी कुछ काम हुए हैं। आप बीजेपी के साथ जाएंगे चुनाव के बाद? अगर जरूरत पड़ी, बीजेपी ने लोकसभा के बाद आपको एक तरीके से बाहर कर दिया दूध की मक्खी की तरह, आप बीजेपी के साथ जाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो? मैं अपनी बात पहले जो कर रहा था वो यही कह रहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि अब जिस तरह से चावल के भाव बहुत ज्यादा गिर गए हैं, किसान को भारी लॉस हो रहा है, जो 1000 रुपए का घाटा हो रहा है किसान को पर क्विंटल, वो कुछ बड़े पूंजीपतियों की जेब में जाएगा। जो बड़ी पार्टियों तो राजनीति में दोस्त दुश्मन होते नहीं है, चुनावों के बाद परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन हरियाणा जनहित कांग्रेस का ये कहना है कि अभी उनका ये स्टैंड है, वो बीजेपी के साथ पोस्ट पोल अलायंस भी नहीं करेंगे। करण, आप बताइए, आपके साथ भी कमोबेश यही बात है, आप भी INLD भी कहा जा रहा था कि बीजेपी के साथ अलायंस होगा, फिर नहीं हो पाया, आप लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद की कोई सूरत देखते हैं मिलकर सरकार? जी देखिए, कहीं ना कहीं हमारी एक सोच ये है कि हमारे को प्रदेश को और देश को कांग्रेस से बचाना है। कहीं ना कहीं जैसे कि पहले भी बात आई थी, नवीन जी ने कहा कि हमारे नौजवान साथी वेले घूम रहे हैं, ये नौबत आई क्यों? ये सरकार की जिम्मेवारी होती है सुरक्षा साधन और शिक्षा देना, और उसमें कांग्रेस सरकार नाकामयाब रही। तो मैं कहीं ना कहीं हम ये बात वादा करते हैं हरियाणा के प्रदेश की जनता को कि इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनने के बाद सुरक्षा साधन और शिक्षा मेरे सवाल।